कभी कभी एक इंसान एक ही शख्स से बार बार ठोकरे खाने के बाद उस इंसान का साथ नहीं छोड़ता, इसका मतलब ये नहीं उस इंसान को आपसे कोई लालच है नफीस भाई, इसका मतलब ये है वो इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी कदर करता है। सुनो, मौत का दौर चल रहा है, बात कर लिया करो, वरना बाद में मत कहना कि बताया भी नहीं और चले भी गए। अस्सलाम। काफी समझदार थे वो, पर मुझे नहीं समझ पाए नफीस भाई। पलकों पे आंसू और दिल में दर्द सोया है, पलकों पे आंसू और दिल में दर्द सोया है, हंसने वालों को क्या पता कि रोने वाला किस कदर रोया है। एक बात बोलूं, आप अपनी अहमियत उस दिन हमेशा के लिए खो दोगे जिस दिन आप खुद से ज्यादा किसी दूसरे को प्यार दोगे। अस्सलाम वालेकुम। जीते जी कौन कदर करता है किसी की, ये तो मौत इंसान को अनमोल बना देती है। जब किसी चोट से लहू ना निकले तो समझ जाना ये चोट किसी अपने ने दी है। इस खुदगर्जी की दुनिया में किसी का एहसास करना बेकार है, जिसको तैरना सिखाओ वही आपको डुबोने के लिए तैयार है। नफीस भाई, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर पल भर के लिए मैं भी बेजमीर हो जाता तो यकीन माने मैं भी कब का अमीर हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इंसान रियाजी के जीरो की तरह होता है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। बड़ा गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का, सब लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नफीस भाई, 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 ही असूलों पे गुजार दो। 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 ही असूलों पे गुजार दो। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह, खुशबू की तरह। अस्सलाम वालेकुम।